वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में सरफेस एरियाज ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। हम एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, हल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसके अंदर एक बॉक्स है, उस बॉक्स को बनाने में कितना कागज लगेगा, शीट कितनी लगेगी, ये आपको ज्ञात करना है। बॉक्स की जो चौड़ाई दी हुई है 1.5 मीटर, इसकी लंबाई है 1.25 और इसकी गहराई है 0.65 मीटर। तो यू वी हैव टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। दिस इज क्यूबॉइड, ये घनाब है, और घनाब का एरिया ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट एंड लेंथ। यानी इसमें 6 भाग हैं, एक ये सामने है वैसा ही पीछे है, ये ऊपर है वैसा ही नीचे है, और ये साइड में है वैसा ही साइड में। यानी ये तो 3 है, तीनों के दो दो भाग हैं। हमको क्या करना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये खुला रखना है, इसीलिए इसके लिए कागज की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको 5 हिस्सों का निकालना है। देखिए वैसे तो हम एक-एक को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है पहले इसको निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इस पर क्या है, इसका जो एरिया है वो है 1.5 इंटू 0.65, ओके, इसका एरिया ऐसा ही इसके पीछे है, इसलिए 2 से गुणा हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये 1.25 है, इसकी गहराई इतनी, ऊंचाई कितनी है वही 0.65, और इसके भी 2 भाग हैं, इधर भी है और ये भी इधर है, ठीक है। एक भाग ये और एक भाग ये, इसके क्या है, एक भाग ये एक भाग वो पीछे वाला। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला तो खाली है, नीचे वाले की क्या है, इसकी जो है लंबाई है 1.5 और चौड़ाई है 1.25, इसका एक ही भाग होगा क्योंकि ये ऊपर से क्लोज्ड है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1.5 को 0.65 से गुणा करेंगे पहले आप, ठीक है, यहां कर लेते हैं, ये इसको पॉइंट को ये लिख देते हैं 1.6 और 65 पॉइंट, ठीक है। तो वन इसको करेंगे तो ये कितना 15.75 ये क्रॉस लगाएंगे, 15.6 90, ओके, ये कितना हो गया 5.79। ये दशमलव के आगे 1 है, यहाँ दशमलव के आगे 2 है, तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 9.75, और ये 2 टाइम्स है इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1950, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट के बाद, तो 195, ये आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1.950, ओके। इसी तरह से दूसरा कीजिए आप, 125 है, 1.25 है, इसको 0.65 से ये मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कर दो 625 हो गया, 6 से कर दो तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, ओके। जो ये रख दिया आपने 5 2 1 8 8 1 2 5, डिजिट कहाँ लगेगा, देखिए डिजिट के आगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4, तो 4 के आगे यानी यहाँ डिजिट लगेगा। इसके भी 2 भाग हैं, इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 16 1, तो ये हो गया 1.6205, ये हो गया 1.6205। अब आपका ये रह गया, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये है 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से कर लीजिए तो कितना आ गया 5625, और 1 से करेंगे तो कितना होगा 125, जोड़ दीजिए 5781 18750, ठीक है। पॉइंट का लगेगा 1 2 3 डिजिट की आगे 1.1875, तो ये हो जाएगा आपका 1.875। हमने 3 सबका एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसको जोड़ देंगे आप, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.4।
5, ये आपका कुल एरिया आ गया, ये क्या है मीटर स्क्वायर है। अब एक मीटर स्क्वायर की कीमत है 20 रुपया, कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर है, कॉस्ट ऑफ शीट, इट इज एक शीट कंज्यूमिंग कॉस्ट रुपीज 20 रुपीज है, तो इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 जीरो आ जाएंगे, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9 और 5 2 जा 10, तो ये पॉइंट इसके बाद कितने हैं 1 2 3, ठीक है, तो हम 3 के बाद में ये पॉइंट लगा दिया, तो रुपीज कितना हो गया 109, 109 रुपया कॉस्ट आएगी इसकी, दिस इज दी एंसर। ओके, इसका एंसर एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप इसको देख करके स्क्रीन शॉट ले लीजिए या पॉज करके पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।